पंजाब में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ प्रदेश सरकार ने जो खिलवाड़ किया है उसका गंभीर परिणाम होने वाला है। अब तक तो इसे पीएम की सुरक्षा में हुई चूक का मामला बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे किसी साजिश की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से पीएम के रूट परिवर्तन होने की सूचना लीक हुई है और अचानक मौसम खराब होने के बावजूद तथाकथित किसानों का सड़क जाम करके पीएम के काफिले को रोका है, उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और इसलिए पीएम मोदी ने पहले खुद ही इसकी कमान संभाली। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात की। राष्ट्रपति कोविंद के साथ पीएम ने 30 मिनट तक पंजाब के मुद्दे पर बातचीत की। इस बातचीत में कई संभावनाओं के ऊपर चर्चा की गई, जिसमें पंजाब की सुरक्षा के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई। पीएम और राष्ट्रपति के बीच हुई मुलाकात में सुरक्षा में चूक या साजिश की बात भी उठी, और इस बात की भी संभावना तलाश की जा रही है कि अगर किसी भी तरह की साजिश की कोई सबूत मिलते हैं तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कानूनी तरीके क्या क्या अपनाए जा सकते हैं। 30 मिनट की इस खास बातचीत के बाद पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस संभावित साजिश को उजागर करके कड़ा एक्शन लेने की जिम्मेदारी दे दी। पीएम मोदी के आदेश के बाद गृह मंत्री अमित शाह सक्रिय हो गए और उन्होंने तुरंत ही जांच के लिए टीम बनाई। इस टीम में पीएमओ के सुरक्षा अधिकारी सुधीर कुमार सक्सेना, सीबीआई अधिकारी बलवीर सिंह और एसपीजी के एस सुरेश को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच टीम पंजाब पहुंचकर डीजीपी सहित कई आईपीएस अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं। इस टीम ने उस जगह की भी जांच की जहां पर पीएम के काफिलों को रोका गया था, यानी प्रदेश सरकार की जांच से अलग केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट इस जांच टीम को देने को कहा गया है। हालांकि इस रिपोर्ट में केवल इस बात पर ध्यान रखा जाना है कि पंजाब में पीएम की सुरक्षा को लेकर जो खतरा पैदा हुआ है उसकी वजह लापरवाही है या फिर इसके तार किसी बड़ी साजिश से जुड़े हुए हैं। अगर डीजीपी सहित पुलिस अधिकारी इसके लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं तो भी राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार बन सकता है। ऐसे पंजाब के कुछ पुलिस अधिकारियों के बयानों से इस बात का संकेत मिल रहा है कि राज्य सरकार ने प्रदर्शन करने वाले किसानों को हटाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने से मना कर दिया था। इसके पीछे राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन राजनीतिक एजेंडे के लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार के खिलाफ कार्रवाई करना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डालने की छूट देने से एक गलत परंपरा पैदा हो सकती है, जिसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है। इंदिरा गांधी की हत्या का परिणाम इसका एक उदाहरण है। इंदिरा गांधी ने कुछ राजनीतिक कारणों से खुफिया एजेंसी की सलाहों को दरकिनार कर दिया था, जिसका खामियाजा न केवल उन्हें भुगतना पड़ा बल्कि बड़े दंगे ने देश को हिलाकर रख दिया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।